मरूंगा। बतेला दो ये चपटी जाने से कारण को सबासी क्यों रथ मेरा तीन कदम अटी जाने से कारण को सबासी क्यों रथ मेरा तीन कदम अटी जाने से अरे मैं तो गया से फिर आगे क्या हालात बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है हो कथे मुख से क्यों मैं खेल हो तेरा बलकार अच्छा इसीलिए तुझे करण की वीरता नजर नहीं आ रही। 17 दिन युद्ध को करते हुए हो गए मुझे आज भी अहंकार मेरी आंखों पर बता रहे हो। 16 ही तो हुए अभी सत्रवा दिन हो गया है। आज 17वें दिन का युद्ध चल रहा है महाराज। अभी पूरा नहीं हुआ है 17वां दिन। अच्छा तुझे इस भेद को बताने के बाद में ये सूर्य देव भी अस्त होगा और तेरे मन में जो अहंकार है वो भी अस्त होगा। मेरी बात नहीं
होता क्या करण। तीन कदम तीन कदम तीन लोग हम पीछे रह दहशत खाने वाला नहीं भाई। ताली बजा दो एक बार भाई, जोरदार तालियां बजा दो भाई। आप ही बजवा रहे हो, मुझे कह लंदा कोई बात नहीं। दहशत आप नहीं खा रहे और ताली भी आप ही बजवा रहे हो। हाँ सुनो, पहले गाली भी मिल सकती है। मेरी बात सुन अर्जुन। सुनते ही महाराज, आप ये कह रहे हो कि ये तो एक कर्ण है, अगर जो ऐसे 100 कर्ण भी होते तो उनसे भी आप दहशत नहीं खाते। हाँ दहशत नहीं, लेकिन आपको पता नहीं है अर्जुन, 100 कर्णों से लड़ने की बात करता है, तुझ पे इस कर्ण बलि के एक बाण का मुकाबला कर पाना भी भारी पड़ रहा है। अच्छा हाँ, और सच्चाई जानना चाहता है तो अब क्या बता दूंगा तुझे। आपके मुख से ये बात अच्छी नहीं, शोभा नहीं देती महाराज, क्योंकि आप मेरे सारथी हो, मेरे रथ के सारथी हो आप। मेरे दुश्मन की प्रशंसा करते शोभा नहीं देती आपको ये बात। मैं तेरा सानिध्य जरूर कर रहा हूं अर्जुन, तेरे रथ पर सारथी बेशक हूं, लेकिन मैं सच्चाई को बया करने से तुझ पर रुक नहीं सकता। तो मेरी बात सुन लीजिए, सच्चाई को बताऊंगा हालात कुछ भी हो, क्योंकि मैंने जो प्रशंसा की है वो सच्चाई की। अच्छा है। हाँ। तो मेरी बात सुन लीजिए। कहां हिरते मैं धर दिया ना महाराज, दिया ना दिखाई कुछ भी कैसे मैं कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं। हाँ देवताओं में सबसे ज्यादा बलशाली देवता कौन से हैं? बजरंग बली। बजरंग बली हनुमान है ना। हाँ तो वो बजरंग बली हनुमान जी महाराज तेरे रथ की बुर्जी के ऊपर बैठे तेरी रक्षा कर रहे हैं। बैठे महाराज। धरती का पाताल का राजा कौन है? शेषनाग। शेषनाग
शेष नाग ने तेरे रथ के पहिए नीचे जमीन में जकड़ रखे हैं। बिल्कुल जकड़ रखे हैं महाराज। और मेरा भी परिचय बता दे। आप स्वयं श्री कृष्ण भगवान जो मेरे रथ के सारथी हो। श्री कृष्ण भगवान त्रिलोकीनाथ हो आप। पता पड़ गई? पता पड़ गई बिल्कुल महाराज। हनुमान जी सबसे ज्यादा बलशाली देव, शेषनाग पाताल का राजा, जिसने तेरे रथ के पहिए जमीन में जकड़ रखे हैं और मुख खोलकर दिखा दिया कि देख तीनों लोकों का नाथ श्री कृष्ण जी भी तेरे रथ पर बीच में बैठा है, फिर भी इस कर्ण बलि ने एक प्रहार तेरे रथ पर ऐसा किया है कि तेरे रथ को 3 कदम पीछे हटा दिया है। शेषनाग ने, कृष्ण जी ने और हनुमान जी महाराज ने अगर जो क्षण भर के लिए भी तेरे रथ का साथ छोड़ दिया, ना तो तेरा पता लगेगा और ना तेरे रथ का पता लगेगा। हे महाराज त्रिलोकीनाथ महाराज, श्री कृष्ण भगवान ये करण वाक्य में ही धनुधारी है और दूर दूर तक नामी भी है। मेरे हाथ जोड़कर ये विनती है कि जो अहंकार की पट्टी मेरी आंखों पर बंधी थी, मैं विस्तार रूप से देख सकता हूं कि करण बहुत ही बड़ा धनुधारी है। वो पट्टी खुल गई? हाँ खुल गई, मुझे ज्ञान हो गया, मुझे पता चल गया महाराज कि अगर स्वयं आप नहीं होते, शेष नाग नहीं होता, बजरंग बली नहीं होते, तो मेरे इस रथ का अता पता भी नहीं होता। आपको पूरी तरह से विश्वास हो गया अर्जुन, अब ये बता दे चाहता क्या है? मैं महाराज ये चाहता हूँ इस रणभूमि में जीत का मार्ग मुझे दिखाओ, इस करण से मेरी जान बचाओ और मुझे विजेता प्राप्त करवा दो। बिल्कुल समझ गया मैं तेरी बात को, तू ये चाहता है कि मेरे प्राणों की रक्षा इस करण से हो जाए। हाँ। और मुझे जीत का रास्ता मिले। हाँ। तो मैं जीत का रास्ता और कर्ण बलि से उस युद्ध में अपनी विजय प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण जी एक रास्ता बताते हैं अर्जुन को, वो तुम्हारे लिए भी बताया है, हमारे लिए भी बताया है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बताया है। सजनों क्या बताया है अंतिम कली आप सुनेंगे। जानते हो हाल जाल माया का रचा तो भूलो ना, भूलो ना ऐसा न जान मेरी इस कारण से है बचार, भूलो ना ऐसा न जान मेरी इस कारण से बचार। बताने लगे श्री कृष्ण जी, उठाओ हो बाण बात क्या शर्म की होगी, लखन सिंह लड़े चारण में जीत तो भरत की होगी, लखन सिंह लड़े चारण में जीत तो भरत की होगी। हो दे चित चिंता शरण में आए गरीब ने
कुछ खाया ना करते मेरे मामूली से खोट पे थमे काया ना करते शरण में आए गरीब ने कुछ खाया ना करते मेरे मामूली से खोट पे थमे काया ना करते शरण में आए गरीब ने सताया ना करते सताया ना करते और मामूली से खोट पे धमकाया ना करते क्या लिखा बताओ पहली कली पे सुनेगा मेरे पे आरामी मेरे पे आरामी होके भी मेरे पे आरामी होके भी आराम हो जसे नामदार के काम ने सलाम हो जसे दुनिया में सवेरा होके शाम हो जसे परले होके सरस्ती का भी इंतजाम हो जसे मेरे दो दिन की जिंदगानी घमंड में दो दिन की जिंदगानी घमंड में आया ना करते आए गरीब आया ना करते सताया ना करते बिना आबरू हेरे शर्मदार के बिना आबरू मरण हो जसे हीने मानस ने ठाटे की शरण हो जसे शरण गए की आदमी ने परण हो जसे काठ के सहारे लोहा करण हो जसे बनी बनी होती है तो भाई बंधु सब साथ देते हैं
लेकिन जब बड़ी बिगड़ जाती है तो कोई भी साथ नहीं देता। तीसरी कली के मतलब में क्या लिख जाता है? मेरे पड़ी हवा में मान भाव भरपूर हो जासे, बिगड़ी में सब कुटम कबीला दूर हो जासे, कंगाली में घर बारी भी मजबूर हो जासे, मजबूरी में मानस से कसूर हो जासे, समझदार मजबूर नरे, समझदार मजबूर ने परसाया ना करते, आए गरीब ने सताया ना करते, शरण में आए गरीब ने सताया ना करते। पैसा वो सोचता है मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सजनों पैसे से भी बड़ी कोई चीज है कवि ने चौथी कली के माध्यम से क्या लिखा बोला? अरे पैसा चला गया तो समझो, अरे पैसा चला गया तो समझो कुछ भी गया नहीं, इज्जत चली गई तो समझो कुछ भी रहा नहीं, जगत करे आदेश संत कद धन ते भया नहीं, ताकत चली गई ताकत बिन कोई माने गया नहीं, ये ताकत चली गई ताकत बिन कोई माने गया नहीं। गुरु चंद्रलाल हो गुरु चंद्रलाल इज्जत के थप्पा, हेरे चंद्रलाल इज्जत के थप्पा बदलाया ना करते, शरण में आए गरीब ने सताया ना करते, मेरे शरण में आए गरीब ने सताया ना करते। मेरे इन रस्मों को इन कसमों को इन रिश्ते ना तो को मेरा भूलूंगा, ओ मेरा भूलूंगी मैं ना भूलूंगा, मेरा भूलूंगी। संसार से चले जाने के बाद में भी नाम को सवाया बढ़ाते हैं, कहीं कम नहीं होने देते। आज
इस पूरे परिवार ने अपनी माता जी के, अपनी दादी जी के नाम को बढ़ाया है, अपने पिता के नाम को बढ़ाया है। साथियों, ऐसे बच्चे परमात्मा सबके घर में दे। एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। क्या बताया भला, चले जाते हैं, जाइए कोई बात नहीं। लेकिन साथियों, अगर जो माता पिता घर पर खुश नहीं है तो तुम्हारे जाने का कोई फायदा नहीं। अरे हरिद्वार चाहे मात वैष्णो, पेट पकड़ लोटे हो, मात पिता के चरणों आके सब तीर्थ छोड़े हो, रहो सब तीर्थ छोड़े हो। अरे जो इनका अपमान करे सदा उनके सेवा से तो सदा दूर टोटे हो, रहो सदा दूर टोटे हो। अरे जैसा बोवे वैसा काटे, जैसा बोवे वैसा काटे, कथा पुरानी गलती थोड़ा तेरी यादगार में अब कहानी करे दी, रहो अब कहानी करे दी। इस यादगार श्रद्धांजलि गीत पर खुश होकर के हमारे भाई किशन जी, हमारे भाई किशन हलवाई जी और आदरणीय भाई राजेश जी, वो माता के श्रद्धांजलि गीत पर खुश होकर के 200 रुपए दे रहे हैं। हम उनका तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए साथियों, अगले नंबर पे किस तरह से क्या लिखा है भला। और भाई, इस पूरे परिवार की तरफ से हमारे बाबूजी आदरणीय बाबूजी नथुराम जी, आदरणीय बाबूजी नथुराम जी, उनकी तरफ से 500 रुपए का सम्मान श्रद्धांजलि गीत पर खुश होकर के आया है। एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से आनी चाहिए, जोरदार ताली से सम्मान। आइए और भाई, 500 रुपए का पुरस्कार हमारे बाबूजी सतवीर जी, आदरणीय बाबूजी सतवीर जी, उनकी तरफ से दिए गए हैं। हम इसी तरह से कामना करेंगे परमात्मा से, इसी तरह से राम लखन की जोड़ी बनी रहे और इसी तरह से अपने माता और पिता का नाम हमेशा बुलंदियों पर पहुंचाते रहे। चलिए भाई, क्योंकि बड़े बेटे हैं, माता जी के बड़े बेटे हैं आदरणीय नथु जी, और आज समाज की सेवा कर रहे हैं। कैसे, तेरे बेटे नथु की क्षेत्र में मैं पहचान लिखूं, भोली देवी के परिवार को पातू हेड़ा निशान लिखूं, पातू हेड़ा निशान लिखूं। सच्चा व्यवहार और बिल्कुल भोले आदमी है, एक रास्ते के चले हुए हैं आदरणीय सतवीर जी।
उनके लिए भी हमने ये लाइन जोड़ी है, किस तरह से कैसे भला चाहिए। पोते हैं संदीप सिंह सतपाल सिंह का सच्चा प्यार देखती जा, सच्चा प्यार देखती जा। कुलदीप सचिन अपने पोतों का कारोबार देखती जा। आज बातू हेड़ा में अपने कुण बाकी हुई जय जय का देखती जा, जय जय कार देखती जा। के लिए मां से बड़ा सहारा कोई नहीं हुआ करता। पीहर में मां ना हो तो बेटी के जीवन में बहुत सूनापन हुआ करता है साथी। एक बार पिता ना हो कोई बात नहीं, लेकिन माता के चले जाने का गम सबसे बड़ा बेटी को हुआ करता है। माता जी की जो बेटियां हैं और पोतियां हैं उनको भी हमने इस रागनी में लिखा है, उनका नाम भी रागनी में आपके बीच में हम प्रस्तुत करेंगे। माता बहनों की तरफ से एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। आइए अंतिम और चौथी कली में क्या लिखा क्या कहा बताओ। सब भी तेरे दर्शन करना चाहवे से हो, दर्शन करना चाहवे से। जसी का प्रियांशी को तेरी हद से याद सतावे से। पूजा बबीता, पूजा बबीता, सबीता गीता के मन से तू न जावे से हो, मन से तू न जावे से। अरे नीरज भाटी ब्रह्मपाल की भाई ये श्रद्धांजलि गीत अच्छा लगा तो एक बार जोरदार ताली मेरे लिए भी हो जानी चाहिए। ब्रह्मपाल की माँ सरस्वती ने, नीरज भाटी की माँ सरस्वती ने वो मीठी वाणी कर दी।
करण किरण में क्यों अर्जुन मार हो गया अर्जुन मार हो अरे कान के बदला दिखे तेरे प्राण खटा हो गया अरे धर्म धर्म की सुन के बात क्यों रोक के बात हो गया खड़ा हो गया क्षेत्र में मार दिया गया। अच्छा और सुन ले हाँ, अगर जो इस कर्ण बलि का रथ इस गड्ढे से बाहर निकल गया अच्छा तो ये तुझको जीवित नहीं छोड़ेगा। अच्छा मेरी सुन ले, आज तक इन्होंने तुम्हारे साथ कोई भी भलाई का कार्य नहीं किया है। सुन गौर से, भवन लाखा में फिर हमें इतना भरम इतना जब चिर द्रोपी का तारा कुण सा बेसर नहीं था तेरे अभिमन्यु को मिल मारा क्या उस दिन धर्म नहीं था उस दिन धर्म नहीं था इतना भरम नहीं था जब चीर द्रौपदी का तारा था कौन सा बेसरम नहीं था और तेरे अभिमन्यु को मिलके मारा क्या उस दिन धर्म नहीं था। तीन काल एक सार धर्म, धर्म की परिभाषा कभी नहीं बदलती, तीनों कालों में एक सार होता है भूत भविष्य और वर्तमान। धर्म धर्म होता है तीन काल एक सार, धर्म कैसे नया पुराना हो जाएगा। जो कर्ण निकट गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाए। बार बार कह रहे हैं साथी श्री कृष्ण जी तीसरे नंबर पर क्या कहते हैं क्या बता रहा है।
चार युद्ध में पड़े मारे सारे दिखा अधर्म करे इन धर्म के ठेकेदार धर्म के ठेकेदार क्या धर्म है। अर्जुन को पता नहीं था कि कर्ण तेरा बड़ा भाई है, लेकिन कर्ण को पता था कि अर्जुन तुझसे छोटा है। जो मां इस अर्जुन की है वही तेरी है। जानबूझ करके भी नहीं मारा साथियों कर्ण ने अर्जुन को, लेकिन अर्जुन इस बात से परिचित नहीं था कि पांच बार जो शक्ति के रूप में थे तुम्हारी मां महारानी कुंती उनको लेकर के आ गई है कर्ण से, क्योंकि साथी वो कोई सामान्य बाण नहीं थे। जिसमें योद्धा के ऊपर उन बाणों का प्रहार हो जाता वो जीवित नहीं बच पाता साथियों, ऐसे बाण गुरु परशुराम के दिए हुए कर्ण के पास में थे। लेकिन जब पल्ला पसार दिया महारानी कुंती ने और ये कह दी कि दान मांग रही हूं बेटे दान दे दे, हंस गया कर्ण। ये कहता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूं महारानी ये दान नहीं मेरे प्राण मांग रही हो तुम, लेकिन दान के रूप में मांगोगी तो मैं अपने प्राणों को भी दे दूंगा। ले जाइए इन बाणों को, जो आप इनका करना चाहते हैं कर लीजिए। सजनों महारानी कुंती बताया ही थी कि मैं तेरी मां हूं और पांडव तुझसे छोटे हैं, जानबूझ कर भी नहीं मारा। लेकिन अर्जुन किस तरह से प्रत्यंजा चढ़ाता है और किस तरह कर्ण बलि को धराशाही करता है क्या बताया। राजपल उस ईश्वर ने ऐसा जाल में अरे सुन कृष्ण की बात पाता करण तरफ मुंह फेर दिया, ना करी वार ना करी वार दिया पान मार फिर करण धड़ पे फिर दिया। Come on, come on.
रही है। और ये प्रतीत होता है कि तू ब्राह्मण जाति से ताल्लुकात रखता है, तेरे गले में जनेऊ पड़ा हुआ है, तेरे माथे पर चंदन का तिलक है। नंबर एक के अंदर क्या कहता है, क्या बताए, आशा करके अपना यार बताए जा। तिलक चढ़ावा पोथी पतरा पाखंड रोज रचाए जा। यही जगत का पैसा बन गया अब माने जा और खाए जा। यही जगत का पैसा बन गया माने जा और खाए जा। अरे तू न्यू सोचे पकड़ के आ देगा रे।
इंसान खानदानी पंच रहा हो, उसकी तीसरी पीढ़ी भी पंचायत तोड़ती हो और खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए कि उसके पास में धन की कमी पड़ जाए, तो जो नए पंच तैयार होते हैं जिन्होंने इधर उधर से अपना झप्पेबारी की और बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, तो वो जब बोलने के लिए खड़े होंगे तो उनको एकदम से कहेंगे कि बैठ जा, आपको पता नहीं है। वो जो जिसके खानदान में काम होता आया हो और पंचायतों को तोड़ते आए हो, जजमेंट सुनाते आए हो, उससे कह देते हैं वो लोग जो नए अमीर बनते हैं, नए रईस, उनको पंचायतों में बुलाया भी नहीं जाता, उनका बड़ा बूढ़ो को, लेकिन समय के अनुसार ये कह रहे थे बैठ जा, कुछ को पता नहीं। समय खिदाए खेल मनुष्य रोता है, नर से बड़ा बलवान समय होता है। आज समय की मार है, सुदामा पर तो वो ड्योढ़ीवान भी ये कहता है कि तू कहीं से भी नहीं लगता हमारे महाराज का मित्र हो सकता है, झूठ बोल रहा है। सजनो, अंतिम और चौथी कली के अंदर क्या कहता है, क्या होता है, बोलता हूं जानता हूं, मैं पढ़िया लिखिया होशियार भतेरा, पढ़िया लिखिया होशियार भतेरा, सब कुछ हरना जानू सू, ईसा उषा मत समझ लिए मैं, सब कुछ करना जानू सू, जो मर बात प्रेम से कहते बात पे मरना जानू सू, गुरु राम भगत गुरु राम भगत के चरणों में मैं सर भी धरना जानू सू, गुरु राम भगत के चरणों में मैं सर भी धरना जानू सू। अरे जगन्नाथ अब समय